सद्गुरु की महिमा का बयान करते हुए कबीर साहब जी विनती करते हैं, जे खोजत ब्रह्माथ के सुर नर मुनि अरुदेव, कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की से। कबीर साहब फरमाते हैं, जिसे खोजते हुए ब्रह्मा हार जाते हैं, सुर नर मुनि और देव हार जाते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा का कहीं अता पता नहीं लगता। कह कबीर सुन साधवा, ए साधु सुनो हमारी बात। क्या फरमा रहे हैं? कर सतगुरु की सेव, गुरु की सेवा कर तो उसका पता लगे, कि वो जो छुपा बैठा है घट घट के अंतर में, उसका पता चले तो आप अपने भीतर उसे जान पाए। फरमाते हैं, गुरु साहिब कर जानिए, रहिए शब्द समाए। गुरु साहिब कर जानिए, अपने गुरु को परमात्मा जानते हुए, परमात्मा मानते हुए, परमात्मा जानते हुए कर जानिए, केवल मानिए नहीं, जानिए कि वो वही है। रहिए शब्द समाए, शब्द समाए मतलब जो सदगुरु ने नाम दिया है, जो श्वासों के अंदर वो जो शब्द दिया है उसका जाप किया जाए, उस शब्द में समाए रहिए। तो शुरुआत अजपा जाप से और बाद में अनाहद नाद में समाइए और सहज समाधि में समाइए, अकॉर्डिंगली जो गुरु की दी हुई दात है वो उस प्रकार से। तो गुरु साहिब कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, मिले तो दंडवत बंदगी। गुरु अगर सामने मिल जाएं तो दंडवत प्रणाम किया जाए अपने सदगुरु के आगे, साष्टांग दंडवत करने की परंपरा है ना, गुरु के आगे दंडवत प्रणाम किया जाता है। और जब ना हो तो पल पल ध्यान लगाए, फिर पल पल अपना ध्यान गुरु के साथ जोड़ कर रखे, गुरु के साथ जोड़ कर रखे, अपने गुरु का ध्यान करे, उनके सुंदर मुखारविंद का, उनके मुखड़े का ध्यान करे बार बार। फिर और बड़े प्यार से आगे और क्लियर करते हैं, वाणी देखो, एक एक शब्द जो है वो हीरे रत्नों के बराबर तोला जा सकता है, ऐसे अनमोल वचन है कबीर साहब जी की सुंदर वाणी में। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को तीन लोक डर नाही। गुरु को सिर पर राखिए, अपने माथे पर सदा गुरु का ध्यान कीजिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को तीन लोक डर नाही। उस दास को तीनों लोकों में कोई नहीं डरा सकता जिन्होंने गुरु को अपने सर पर रखा है, बिठा कर रखा है। तो सदा सर्वदा आज्ञा में चले, गुरु कह दें रुक जाओ तो रुक जाएं, गुरु कहें चलो तो चलें, गुरु का ध्यान करें, गुरु की बात सुने, गुरु को हृदय में बसाएं। ये रास्ता शुरुआत गुरु से होती है, एक समय आता है पता चलता है कि गुरु खुद पर ब्रह्म परमात्मा है। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, समुद्र विलोर शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, मैंने अपने शरीर रूपी समुद्र को मथ कर देखा तो मैंने क्या पाया, एक वस्त अनूप दिखाई। क्या दिखाई? कहा कि गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई, मेरे गुरु ही गोविंद हैं और गोविंद ही गुरु हैं। से फरमाते हैं दोनों में कोई भेद नहीं है, ये बात मैंने गुरु की कृपा से जानी।